बहुत ईमानदार बनता है। इसकी पहली बीवी मैं हूँ, ये इसका बेटा है, इसकी दूसरी बीवी जहरा श्रॉफ है जो कि जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में है, उसके भी मैसेजेस है, मैंने उसको भी बता दिया है, ठीक है, वो भी शायद आए लेकिन वो बेचारी बीमार है। चुपके से तीसरी शादी कर रहा था दुल्हा, पहली पत्नी ने आकर मचाया ऐसा बवाल, फटे कपड़े में निकला बाहर। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। वेडिंग वेन्यू पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति को उसकी तीसरी शादी के दौरान पकड़ लिया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक वेडिंग वेन्यू पर एक हाई वोल्टेज ये ड्रामा हुआ। जैसे कि वीडियो में देखा जा सकता है, महिला अपने बेटे के साथ विवाह स्थल पर पहुंचती है, वहाँ दूल्हे को अपना पति बताकर कार्यक्रम स्थल पर हंगामा करती है। महिला वीडियो में कह रही है, वहाँ मेरे और मेरे बच्चे के पिता हैं। उसने पति यानी उसके पति ने कहा कि वो 3 दिनों के लिए हैदराबाद जाएगा और अब वहाँ दूसरी बार शादी कर रहा है। वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है, जैसे ही महिला ने आकर हंगामा मचाया तो दूल्हे को कार्यक्रम स्थल से दूसरे कमरे में ले जाते हुए देखा जा सकता है। यहाँ तक कि जब महिला विवाह स्थल पर हंगामा करती रहती है तब वहाँ मौजूद मेहमान उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं। महिला के इस तरह के दावों से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कई लोग दंग रह गए और दावत कर रहे लोग हैरानी से इधर उधर देख रहे हैं। वहाँ अपने दावों पर अड़ी रही और उसने कहा कि उसने 10 अक्टूबर 2014 को उस व्यक्ति के साथ शादी के बंधन में वो बंधी। इसके अलावा उसने ये भी दावा किया कि उस व्यक्ति ने दूसरी शादी की थी और उसने उसकी दूसरी पत्नी को तीसरी शादी की जानकारी दी थी, अस्वस्थ होने के कारण वह नहीं आ सकी। इसके अलावा उसने कहा कि अब वह हमारी शादी के 4 साल बाद फिर से शादी कर रहा है। महिला ने अपने पति के परिवार पर भी आरोप लगाया जो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। कुछ देर बाद वह आदमी खुली कमीज और पीले रंग की लुंगी में नजर आता है, जैसे कि लगता है उसे मेहमानों और दुल्हन के परिवार द्वारा धोखा देने के लिए बुरी तरह से पीटा गया था।